योगी फूड में आना पड़ेगा। और योगी फूड में सबसे अच्छा देखो अंकुरित, जिनको बादाम नहीं मिल पाए वो ये ले लेना। देखो ये मूंगफली है, ये चना है, ये मूंग है, ये केला है। जो गुण सेव में होते हैं वही गुण केला में होते हैं, अमरूद में होते हैं। लोग महंगे महंगे फल खाना चाहते हैं, अरे जो गुण बादाम में है, देखो यह मेरे पास बादाम भी है, ये बादाम है। जो गुण बादाम में है, जो गुण अखरोट में है, इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूट्रिशंस है, माइक्रो न्यूट्रिशंस है, ये सब उपलब्ध है। लेकिन मैं खाता क्या हूँ, मैं खाता हूँ ये मूंगफली, ये चना, ये अंकुरित मूंग, ये खाता हूँ। फिर बच्चों को दूध पिलाए, देखो ये गाय का दूध है और इसमें A2 मिलकर गाय के दूध में, भैंस के दूध में, बकरी के दूध में, भेड़ ऊंटनी के दूध में विटामिन पूरे होते हैं, ये A2 मिल्क होता है। फिर इनको मक्खन खिलाते हैं। हम जब गांव में थे ना तब पढ़ाई भी पूरी करते तो खेत में काम करने जाते थे, तो टिफिन तो होते नहीं थे, तो माता जी ऐसे कपड़े में रोटी लपेट करके और उसमें इतना सारा ये मक्खन ऐसे और उसमें थोड़ी सी शक्कर ये डाल करके ऐसे बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं। और इनको इतना घी देते, इसमें ये डाल दिया, इस शक्कर देखो ये नेचुरल शक्कर, चीनी नहीं खिलाते हम अपने बच्चों को। अब ये पूरा गच्च हो गया घी के अंदर। अब इसके अब बच्चों को जिनको ये मिलेगा कार्यक्रम, अब इसके सामने बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, देखो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण में पवित्रता होगी तो मनुष्य में देवत्व, ऋषित्व प्रकट होगा। नर में नारायण, मानव में महामानव, पुरुष से महापुरुष प्रकट होता है।